जिस तरह से शहीद जिंदा होता है, इसी तरह जो अंबिया होते हैं वो अफजल शुहदा होते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त दी जाएगी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ग़ज़वा हिंद में शरीक होंगे, बल्कि उसको लीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि मोहम्मद कासिम के ख़्वाबों के मुताबिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस बजाते ख़ुद ग़ज़वा हिंद में शिरकत फरमाएंगे, ये किस तरह से पॉसिबल है जबकि कुरान में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में औ माता के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सबसे पहले ऐलान फरमाया था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उसके बाद फिर बाकी सहाबा ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर ख़ुद शिरकत फरमाएँगे। बुनियादी बात समझने की यह है कि जो अंबिया होते हैं वो अफजल शुहदा होते हैं। जिस तरह से शहीद अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, उनका हमसे पर्दा हो गया होता है लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, के जो लोग अल्लाह के रस्ते में जिहाद करते हुए किताल करते हुए जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दें, उनको मरा हुआ ना कहो, उनको फोत हुआ हुआ ना कहो, बल्कि वलाकिल बल अहयाउ वलाकिल्ला तशहरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं, सिर्फ तुम्हें इस चीज़ का इदराक नहीं है। कुरान में दूसरी जगह पर अल्लाह ताला इसके साथ कहता है कि वो अल्लाह के तरफ से रिज्क पा रहे हैं। जिस तरह से शहीद ज़िंदा होता है, इसी तरह जो अंबिया होते हैं वो अफजल शुहदा होते हैं, वो तमाम शुहदा से अफजल होते हैं। और जिस तरह से शहीद ज़िंदा होता है, इसी तरह नबी भी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, अल्लाह के पास से रिज़्क पाते हैं और जो दुरूद व सलाम हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर भेजते हैं वो उनको पेश किया जाता है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी देते हैं। उसकी दूसरी एग्जांपल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस तरह से है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए थे तो उससे पहले मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इकराम को जो है वो तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह की इज़न से इजाज़त दी गई थी और तमाम अंबिया वहाँ पर हाज़िर हुए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम अंबिया इकराम ने नमाज़ अदा फरमाई। जिस तरह से अंबिया वहाँ पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में उन्होंने नमाज अदा फरमाई, लेकिन आम लोगों को उसका इदराक नहीं था, सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त दी जाएगी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ग़ज़वा हिंद में शरीक होंगे, बल्कि उसको लीड करेंगे, लेकिन वो रूहानी शिरकत होगी, आम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। उनकी शिरकत वैसे ही होगी जैसे अंबिया इकराम की शिरकत मस्जिद अक्सा की नमाज में हुई थी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन आम लोगों को इसका इदराक नहीं था। यही मामला होगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हिंद में बनफ्स नफीस शिरकत फरमाएंगे, लेकिन वो रूहानी शिरकत होगी, सिर्फ जो इमामुल महदी लीड कर रहे होंगे ग़ज़वा हिंद को, उनको मालूम होगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी गालबन मुलाकात भी होगी, लेकिन आम लोगों को उसका इदराक नहीं होगा, वो एक रूहानी शिरकत होगी। और यही वजह है कि ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा कहा जाता है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद उस ग़ज़वा में रूहानी तौर पर शरीक होंगे और इमामुल महदी के साथ ग़ज़वा हिंद को लीड कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।